गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित पश्चिम त्रिपुरा स्थित नीरमहल राज्य के सबसे मनोरम पर्यटक स्थलों में से एक है। आधुनिक स्थापत्य कला को दर्शाता ये महल रुद्र सागर झील के ठीक बीचों बीच स्थित है। 5.5 वर्ग किलोमीटर में फैला ये झील पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय मछुआरों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और उनकी यही मांग होती है कि इस विरासत को सरकार द्वारा संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार का कहना है कि सरकार इस पर्यटक स्थल को विकसित करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। इस महल में कुल 24 कमरे हैं, जिसमें महल के पूर्वी भाग में सैनिक रहा करते थे और इसके बीचों बीच स्थित कक्ष अंदर महल में राजकीय बैठकें हुआ करती थीं। दूर दूर से आने वाले सैलानियों का मानना है कि देश के दूसरे पर्यटक स्थलों की ही तरह इसे भी और विकसित किया जाना चाहिए। should be color, there should be lightings, there should be nights, night display should be there, so that from here, from this main place, the tourists, if they came over there, they should see all those things from here only. There should be two sides from there, from far and from near. इसका जो अंदर जो maintenance ठीक नहीं है, उसको और maintenance करना जरूरी है, क्योंकि मान आदमी आता है देखने के लिए, तो उसका कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। नीर महल की भव्यता और खूबसूरती के साथ साथ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि झील की ठंडी हवाएं आपको ताजगी और स्फूर्ति का भी एहसास कराएंगी। त्रिपुरा की इस खूबसूरत विरासत का दीदार आपको सुखद अनुभूति का एहसास दिलाएगी। हम यहाँ क्वींस पार्क के ओपन स्टेज थिएटर पे खड़े हैं। यहाँ हिंदू राजा वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर अपनी रानी और दरबारियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया करते थे। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह अनूठा महल राज्य के पर्यटन के लिए एक वरदान हो सकता है, बशर्ते सरकार इसकी बेहतरी के लिए अपनी ओर से गंभीर प्रयास करे। कैमरामैन मलकिया सिंह और MM शर्मा के साथ कुमार आलोक, DD News, वेस्ट त्रिपुरा।